क्यों गिरूंगा तुम लोग देख के तो मंगल में तुम लोग फसल नहीं कर सकते प्रभु दर्शन दो हाथ मंगल में बारिश आएगा तुम लोग का चला आइए ना मेरा सफेद थोड़ा है पीछे पीछे गिर नहीं जाए उधर गिर नहीं जाए और उसका मुंह नमो नमो सुखराज नमो नमो असेह शरण मम उर करो निवास ब्रज भानु नंदिनी श्री लाल लीजू की जय जय श्री राम अभी आओ ना आओ परंतु सामोरे तुम्हें आना ही होगा कभी ना कभी ब्रज गोपियों को मन से चाहते हो तुम हंस जाना ही होगा कभी ना कभी हे श्याम मेरे उलझे दिल को सुलझा नहीं होगा कभी कभी न कभी वह रूप अनूप दया करके दिखला नहीं होगा कभी न कभी जय जय श्री राधे उद्धव कुंड की जय 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 श्री राधे ओ मन रो लागे ना आलीरी मेरो चामो बेना मन रो लागे ना ओ मन रो लागे ना आलीरी मेरो चामो
होवे ना मन रो लागे ना आत्रण नहीं तोड़े गौए प्यारो बिना मन रो लागे ना ओ मन रो लागे ना आली मोरो प्यारो बिना मन रो लागे ना ओ मन रो लागे ना श्याम हरे कृष्णा गुरु वैष्णव के अनुगत में हम लोग जिस स्थान पर आए हुए हैं ये राधा कुंड परिक्रमा के मार्ग में उद्धव कुंड है। प्रकट हुए थे फिर अर्जुन आकर के मृदंग बजाया फिर राधा कृष्ण प्रकट हुए सखीगण ये सब लीला ही पर हुई थी। और यहीं पर जब उद्धव जी बताए भागवत बताएंगे तब वज्रनाभ को बताया देखो स्वयं सी बहु विज्ञानी अच्छे काम में बहुत सी बाधाएं हैं तुम्हें कोली को दमन करना इनका कोली आके उत्पात मचाए। ओम अज्ञान तिमिराम दस्त ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः राधा करावचित वल्लभ वल्लरी के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम गोवर्धन परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम उद्धव कुंड है। इसलिए गुरुदेव परिक्रमा का समय में जब आते थे यहाँ पर बैठते थे जिस समय भक्ति जीवन जनार्दन को साइना की करुणा में चल रही हरे कृष्ण
इसलिए जब हमारे गुरु वर्ग लोग यहाँ आते थे एकदम यहाँ पर भावाविष्ट होकर के बड़े सुंदर रूप में यहाँ की कथाओं को वर्णना करते थे। इसलिए यहाँ पर विशेष करके ब्रज गोपियों की और विशेष करके श्री राधा रानी को प्रेम को स्मरण करते हुए कृष्ण अजर नयन में कृष्ण का जैसे प्रेम जगत में किसकी है नहीं। इसलिए हठात जब श्री उद्धव जी यहाँ पर आए कृष्ण कहाँ पर है, इसी समय में कृष्ण स्वयं उद्धव जी को हाथ को पकड़ करके उसको कहते गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्यम, हे उद्धव जाओ जा करके मेरे वियोग में जो ब्रजवासी हैं, जब से मैं ब्रज छोड़कर आया हूँ, कृष्ण ने देखा अगर मैं यहाँ पर ब्रज प्रेम की बात अगर मैं किसको बोलू हो ना, यहाँ पर कोई है ही नहीं जो ब्रजवासियों का प्रेम को समझ सके। लेकिन वहां पर तो गोपियां समझ आती के एक व्यक्ति दूसरे का दुख समझेगा, इसलिए वो लोग अपना हृदय की बात को बोल करके हृदय को खाली कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर घुटन सा मेरा हो रहा है क्योंकि कोई यहाँ पर सुनने के लिए है ही नहीं जो वो बात हमें सुना सके। इसलिए उनको कहाँ भेजना पड़ा, उनको स्वर्ग में बृहस्पति को पास में उनको भेजना पड़ा क्योंकि बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति है। लेकिन उन्होंने सारे विद्या तो उन्होंने स्वर्ग में जा करके पढ़े लेकिन एक अध्याय उनको बाकी रह गया, एडमिशन नहीं हो सकते हैं। उनकी हाई फाई उनकी क्वालिफिकेशन नंबर भी होनी चाहिए तभी वहां तो अड़चन हो सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने सोचा ब्रज में जो वहां कलेज है वो साधारण कलेज नहीं बड़ी हाई फाई कलेज है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई स्टूडेंट किया है जो जा करके वहां पर एडमिशन हो सके। उन्होंने पूरा मथुरा को ढूंढ लिया लेकिन देखा कोई भी नहीं मिले, लेकिन उद्धव तो मिले लेकिन पूरा क्वालिफिकेशन नहीं है उनके अंदर में थोड़ी मतलब समझ नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने देखा किसको वहां पर भेजू जो थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं, देखा ये उद्धव एक व्यक्ति है वो थोड़ी बहुत पता लगा सकते हैं। तीसरा कारण कहते हैं इन्होंने उद्धव जी का क्यों भेजा, इसका क्या कारण है, बोले इसका कारण है कृष्ण जगत में प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। क्या है, क्या प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, यद्यपि मुझे सबके सब भक्त प्रेम करते हैं, हैं? जैसे उनका पांच तरह का भक्त है, ज्ञानी भक्त शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त प्रेमापर और प्रेमातुर। प्रेमातुर कौन है, कहते प्रेमातुर कौन है, बोले उद्धव जी, ये अंतिम प्रेम की अंतिम छोर है श्री उद्धव जी, उनको ऊपर में कोई भक्त है नहीं। जैसे किसी बात को अगर कोई एरे गरे व्यक्ति बोले ना, बोले इसका बोलने का क्या महत्व है, अरे ऐसे तैसे व्यक्ति बोल रहा है। लेकिन किसी बात को अगर मोदी बोल दे, जोगी बोल दे, भैया प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री बोल रहे, जरूर इसमें कुछ दम है। इसलिए कृष्णा सोच रहे हैं ये ब्रज प्रेम की बात जैसे तैसे व्यक्ति बोले ना, इसका कोई महत्व नहीं देगी। लेकिन अगर कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बोलता है पर समझेगे भैया ये जो बोल रहा है इसमें कुछ दम है। इसलिए सोच रहे हैं अगर ये उद्धव जी वहां देखे प्रेम को और देख करके यहाँ पर वापस आए और पंच मुंह में जब उन्होंने ब्रज प्रेम की बाखान करे, अगर ये प्रेम को अगर बाखाना कर लोग बोलेंगे भैया जब उद्धव जी बोल रहे ऐसे व्यक्ति जरूर ये प्रेम में जरूर कुछ दाम है, इसलिए उन्होंने उद्धव जी को भेजे। छोड़कर तो मैं रह नहीं सकता हूँ। कृष्ण ने कहा उद्धव जी यहाँ पर तो मैं केवल 1% हूँ, वहां पर देखोगे 99% मैं वहीं पर हूँ, एक बार जाकर के तो देखो तो सही। सचमुच से जब उद्धव जी आए कृष्ण उनको एक स्क्रीन को खींच दिए, स्क्रीन खींच करके उन्होंने क्या दिखाया, कृष्ण रहते हुए ये ब्रज कैसे हराप, कैसे समस्त ब्रजवासी कृष्ण कीर्तन देखा, कृष्ण रहते हुए कैसे गोदोहन कर रहे हैं, कैसे सार कैसे भाग रहे हैं, बछड़े कैसे फुदक रहे हैं, बाल्टी राव पात्र राव, और उन्होंने दिव्य वृंदावन धाम को देखा कैसे ब्रज गोपी गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो कैसे पूरे उन्होंने पूरा दिखा दिया बोला जा रहे। लेकिन राधा रानी के शरीर में जो प्रेम की विरह है, कहते पीड़ा भीर नवकाल कुटता गर्भस्थ निर्वासनम, कोरोना जैसे कालकुट जहर जैसे उनकी पीड़ा है, उनके शरीर में जो लेप किया हुआ चंदन अगुर कर्पूर मिनट मिनट में चूर चूर हो
धारण भजन कर गोपियों की, बोले क्यों? बोले कृष्ण के प्रति इनका जो रूढ़ भाव है, जो भाव में स्वयं शंकर जी उद्धव भी जिस प्रेम के लिए ये लोग भी तरसते हैं, इसलिए कहते हैं आशा महो चरण रेणु जुसांग महंग श्यांग वृंदावन किमपी गुलमल तो सिद्धना। इसलिए क्या मेरा ऐसे सौभाग्य होगा ब्रज वृंदावन में यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सके। ये ब्रज गोपियों ने सौभाग्य को प्राप्त किया। बोले कैसे? जैसे एक बच्चा किसी माँ को पास में जो कोई चीज मांगते है ना, गलबे नहीं आला, अगर मैया मेरे को ये चीज दे दो, मैया मेरे को ये दे दो। इसलिए कृष्ण का कितने सुंदर हाथ, उनकी भुजदंड है, लेकिन वो हाथ को द्वारा गोपियों की गले में गलबे नहीं आ देकर गोपिया रास छोड़ करके मत जाओ, ये रास का रस खत्म हो जाएगा। इसलिए नंद ब्रज स्त्रीनां पाद रेणु अभिच्छन्नस जासाम हरि कथत गीत धुनाति भवन त्रय। इसलिए ब्रज गोपियों की, राधा रानी की एक चरण की धूल अगर मिल जाए, हमारा जीवन भिन्न हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ का भाव को देख करके अगर हमारे हृदय में थोड़ी सी लोभ उत्पन्न हो जाए, हम भी यही प्रेम को चाहते हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वंशा कल दुर्वस्त कृपा सिंधु भाई बच्चा पतितानांग पावन बोले श्री उद्धव महाराज की। बोले श्री लाला राधा रूप लाली, जोर से बजाओ जय। बड़ों के लाला राधा रूप लाली, जोर से बजाओ। तारी आ गया, देखो महाराज जी कह रहे हैं इंद्र भी रोन लगा। अभी बड़ों के माइक 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 बड़ों के नहीं है, हम तो वृंदावन के हैं महाराज। बारिश में भिगते परिक्रमा करने तक बड़ों पे प्रीचिंग किया ना उधर गुरुदेव ने, उधर ही किया। यही पर ये श्रीमद् भागवत कथा भी यही पर हुई है। कहते सबसे पहले भागवत कथा यही पर हुई है। बोले एक समय देखा कृष्ण विरह में सबके सब दुखी है, लेकिन देखा जो कालिंदी है ना वो बड़े दुखी है, सुखी है। तो कालिंदी को पूछा, बोले कालिंदी सबके सब कृष्ण विरह में सबके सब दुखी, तू इतने सुखी कैसे, छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। उसी तरह जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मथुरा से द्वारकाधीश कृष्ण तो चले जाते हैं, लेकिन जो ब्रज का जो कृष्ण है ये कहीं जाते नहीं, ब्रज का कृष्ण। इसलिए अभी भी कृष्ण ब्रज में है। बोले ये रहस्य को कौन जानता है? बोले ये रहस्य को केवल उद्धव जानता है। बोले ये उद्धव अभी कहाँ पर है? बोले अभी भी उद्धव जी ये गिरिराज का तलहट में अभी घास रूप में यहीं पर भजन कर रहे हैं अभी भी। बोले चलो उद्धव चलते हैं। सारे महिषियां और श्री परिखित महाराज और श्री बज्रनाथ और सांडिल्य ऋषि सबके सब बचा मिट जाओ। इसलिए सबके सब यहीं पर आए। जब यहीं पर आए, यहीं पर उन्होंने खूब उन्होंने कीर्तन किया, और जब कीर्तन किया, कीर्तन का प्रभाव से ये उद्धव जो घास बनकर भजन कर रहे थे, ये उद्धव जी स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए। जब उद्धव जी प्रकट हुए तब उन्होंने उद्धव जी को प्रश्न किया है, उद्धव कृष्ण तुमको ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी,
हम भी अभी भी हम कृष्ण प्रेम में बड़े दुखी है, हम भी तुम सांत्वना प्रदान करो। उसी समय में उद्धव जी स्वयं कहते हैं, बोले ये कृष्ण जब जा रहे थे मैंने भी यही प्रश्न किया था, आपका विरह को मैंने सहन कैसे करूं। कृष्ण बोले हे उद्धव एक आप कोई श्रवण करे, इसलिए भागवत में जो द्वादश स्कंध है प्रथम द्वितीय तत्गुरु, इसलिए पादव जदिय प्रथम द्वितीय कहते भागवत का दो जो प्रथम द्वितीय स्कंध ये भगवान की दो चरण, तृतीय चतुर्थ स्कंध दो गुरु, पंचम स्कंध नाभि, षष्ठ सप्तम स्कंध दो पूजा, अष्टम स्कंध वक्ष स्थल, कंठ उनकी नवम, दसम उनकी मुखार बिंद, एकादश ललाट और द्वादश उनका सर। इसलिए ये भागवत नहीं बोले तेन अयंग बांग मई मूर्ति, भगवान शब्द ब्रह्म रूप में भागवत ग्रंथ रूप में विद्यमान। अगर ये भागवत कथा को आप सुनोगे भागवत से ही साक्षात कृष्ण प्रकट होंगे। बोले आप ही सुना दो, यही पर कहते सबसे पहले जो सुनाई पड़ता है ना इधर उधर कहीं हुआ, प्लस नहीं सबसे पहले भागवत कथा यहीं पर। ये उद्धव जी महिषियों को जब कथा सुनाए उन्होंने एक महीना कथा सुनाए, कथा जब विश्राम हो गई साक्षात कृष्ण वहीं पर प्रकट हुई। कृष्ण प्रकट होकर के परिकरों को साथ में उन्होंने उनको दर्शन प्रदान की, इसलिए भागवत का यही स्थान। इसलिए कृष्ण जब उद्धव जी को भेजे इनको पता था उद्धव तो अपमान को लेकर जा रहा है लेकिन गोपियों को सांत्वना नहीं दे सकता है, ये इसको इसकी बस की बात नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा उद्धव कोशिश तो करना सांत्वना देने के लिए, लेकिन नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना एक काम करना तुम उनको बोलना आंख बंद कर यहाँ पर बैठ जाओ, फिर वहां पर प्रेम प्रकट होगा। जब उद्धव किसी तरह से उनको सांत्वना नहीं दे सके तब कृष्ण का अंतिम उपदेश सुनाया, बोले तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, बैठ करके कृष्ण को स्मरण करो। जब उन्होंने बैठ करके कृष्ण को स्मरण किया इतने में कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, स्वयं प्रकट होकर के उनको साथ में रास विलास किया, झूलन लीला की, उनको साथ में हिंदोल लीला, जल विहार, कुंज लीला, उन्होंने सब के सब उन्होंने ब्रज गोपियों के साथ में उन्होंने सारे लीला यहीं पर की करके फिर उनको संपूर्ण रूप में उनकी सांत्वना प्राप्त हुई। इसलिए ये स्थली अत्यंत अत्यंत पवित्र, इसलिए गुरुदेव कहते जितना घास है ना हर कल्प में उद्धव एक बार आते हैं और सबके सब ये घास बन करके अभी भी उद्धव जी उन्होंने यही पर तपस्या कर रहे। बोले यही क्यों तपस्या किया, बोले जो गिरिराज गोवर्धन है हम सुना ना हंता अद्रिय वाला हरिदास वर्ज्य, अगर हमारी कोई इच्छा को पूरी कर सकते कौन, बोले से गिरिराज गोवर्धन पूरी कर सकते हैं। इसलिए उद्धव जी गिरिराज तलेटी में और नारद भी गिरिराज के तलेटी में और हमारे गोस्वामी लोग भी गिरिराज के तलेटी में और वह हमारे जो गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जहाँ पर मठ है वहीं पर ही गुरुदेव रहते थे। एक महीना तक पूरा पूरा गिरिराज परिक्रमा करना, दिन में दो दो लाख हरिनाम करना, सारे ग्रंथों को अध्ययन करना, गुरुदेव खुद कहते थे बोले गोस्वामी ने जैसे भजन किया है मैंने एकदम बेसिक भजन किया, गिरिराज तलेट में रह करके दिन रात गिरिराज की मैंने भजन किया है और गिरिराज की कृपा से ही गुरुदेव संपूर्ण विश्व में हमारी महाप्रभु का वाणी को उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। बच्चा कल उधर वैसा कृपा से दुआई बन जाओ बच्चा नाम पाप ने भो इसमें ही बोलो बंद हुई बहुत घात है कौन घास होगा पूछो तुम्हारे चाचा को बहुत सारे घास है बहुत सारे घास है कौन घास गुरुदेव का सारे घास है हरे कृष्ण श्री गुरवे श्री गौर चंद्राय सपरिकर युगल किशोराय च ब्रज धामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधा बनाय च नमो नमः एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आई हैव रिसीव क्वाइट फ्यू मैसेजेस and mail to speak something English time to time. So I'll try my best when I have got time. So when all the Mahishis, other than the eight Mahishis of eight prominent queens, other than eight queens, there one prominent queen name was Rohini, but not Krishna's, Balaram Prabhu's mother. So who was captured in the Narakasur jail. So one day, all the Mahishis came to Kalindi. Oh Kalindi,
we are suffering so much due to Krishna's separation. On the other hand, you are very jolly, so happy, always smiling face. What is the mystery behind this? Then Kalindi replied, she had no jealous mood, although they are all co-wife, but she had some passion for them. So listen, I am the maid servant of Srimati Radhika. If you have this abhiman, this ego, then you will be happy always. So you have to adopt this mood. Moreover, if you meet with Uddhava, then your all the sufferings and sorrows will be solved. Where you can get her, get him, you can go to beside Kusum Sarovar, and Uddhava is always living there. So all Mahishis and told, Kalindi told, that Krishna is Apto Ram and Apto Kam. Why Krishna called Atmaram? Because he is always with Radhika. It mentioned in the scripture, Atmaram Tatha Prakta. Atma tu Radhika Tasatayu Ivaramana Taso. Rad Apto Kama Tatha Prakta Prachati Gurave Divi. Atmatu Radhika Tasya, the Krishna's Atma soul who? Srimati Radhika. And Tayo Yuva Ramanath also always playing and giving pleasure and getting pleasure from her. So for that reason, all the who is the expert in Singha Ras, they are telling Krishna's Atmadam. So had to go there. So all of them came. Who was leading them? Vajrana Prabhu and Parikshit Maharaj. Vajrana Prabhu came and told, oh Parikshit, there is so many obstacles if you do any good deed. So he had, because Kali will make chaos, so you have to check Kali. Then Vajrana Prabhu, when order, Parikshit told, I will follow your order, but I am not allowed to listen Bhagavad Katha, I will speak Bhagavad. Uddhava will speak Bhagavad. You are the fittest candidate to listen Bhagavad Katha. For you, Bhagavad will manifest in this world. Don't worry. So Parikshit went to check control Kali, and other hand, Uddhav, when they are doing Kirtan, Uddhav came out. Banamala, just like look like Krishna, but no peacock feather. And he spoke Bhagavad Katha. And Uddhav told, due to this Bhagavad, I became the disciple of Brihaspati. I became prominent Sakha of Krishna. So Krishna always in Bhagavatam, Krishna told himself. Then Krishna appeared there. All Mahishis, all the Braja Parikar, all the Dwarakas Parikars appeared. Arjun playing Mridanga. And it took place here. And then Krishna again disappeared. So other hand I am telling, the first Bhagavat Sapta here took place. Krishna telling, Eko aham bahusam, I am one, I want to manifest in so many forms. So what happened? Brahma, Vishnu and Mahesh, they appeared from Krishna's body. And Krishna ordered to Brahma for creation, to check the creation department, for Vishnu nourishing department, and Shivji head of the department of devastation. Brahma told Prabhu, you are ordering me for creation. This is the activity of Rajagun. It is one type of sin. What shall I do? How I can control myself? I should not forget you involved in this matter. Then Krishna order, do Anusirana Bhagavatam. So Brahma doing Anusirana Bhagavatam is reciting Bhagavatam, taking 1 week. And Brahmani became his audience. This is the first Bhagavat Saptaha took place in the beginning of creation. What did happen? Then Vishnu told Prabhu, I am little bit odd. What happened? You order me for nourishing department. Nourishing is the top difficulty. How I can do that? The creation and devastation is not so difficult, but this nourish is very difficult. So what shall I do? Then Krishna ordered to Vishnu,
follow Bhagavatam. Do anusilan of Bhagavatam. And again telling Vishnu, Prabhu, I will come time to time. Yada yadai dharmasya glanir bhavati bharata. I will come and we take an incarnation and check everything and give them what they want. Who want bhog? I will give them bhog. Who want moksha? I will give them liberation. But who don't want even bhog and moksha? And moreover, involve me in this matter how I can take care of my Lakshmi Devi. Everybody has worry for their wife. You can ask their husband wife. They have so much worry for their wife. How I can please her? How I can please her? This is not your fault. Narayan telling, Vishnu telling. So, then Vishnu told, okay, if you follow Bhagavat wholly, solely, then you can control and you can please your Lakshmi and who don't want bhog and moksha, you can satisfy them too. So Vishnu start Bhagavatam and he taking reciting Bhagavatam 1 month and Lakshmi became his audience. When he completing Bhagavatam, Lakshmi said, I am not less than you. Then Lakshmi starting Bhagavatam and taking 2 months. When Lakshmi speaking Bhagavatam, it's very tasty, very relishable. Why so? Because Lakshmi has no any time of problem to maintain this and that. She became freely and freely speaking Hari Katha, Bhagavat Katha. So her Katha is very relishable and tasty. After that, she... Barish bandh ho gai kya? Okay, so in 1 minute I am finishing. So then she telling Prabhu, all the Brahman Vishnu is telling, but to devastate is more difficult, is very hard to very cruel. How I can do that? In other hand, I could not disobey you. Please tell me, Prabhu, any clue. Then I can please you and I can take care of my department and I never forget you. Then he told, you have to recite Bhagavatam. So Shivji taking 1 year to complete Bhagavatam. So first Bhagavat Shabda took place, beginning of creation by Brahma. Now we'll go direct to place of Raghunath Das Goswami, Hare Krishna. Gaur Premanande Hari Hari Bo Pancha Kalpatam Vashna Tripa Sindhu Bhaya Vacha Patitanang Pavane Bho Vashna Bebho Namo Namo. This is that man Hari Katha Bala Lok to Priya Diya. Mende Ha Sukha Diya. Kirtan se Paris Hare Guru Guru Kaya Kupa Jate Hai Chala 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 मजा आएगा बारिश में ठंड हो गई महाराज जी अब तो जैसे लगाया ठंडा कहाँ से घुसेगा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Oh, barish aa rahi hai abhi. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
पाएंगे।